वेलकम टू न्यूरी, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड फ्रॉम द हिल्स, फ्रॉम दार्जिलिंग। बारिश में थे ना इस बार दार्जिलिंग में, तो आज भी कलकत्ता में बारिश हो रही है और मैं बारिश में भीगते भीगते अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। फॉर दिस यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, दोज़ हू आर न्यू टू माय कंटेंट, एंड शेयर माय कंटेंट एंड लाइक माय कंटेंट। ओके, सो आज हम आए हैं, देखो हमेशा मेरा मेक ओवर मैं दिखाती हूँ, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग हिज मेक ओवर। ही इज़ हैंडसम एंड ही इज़ गोना लुक मोर हैंडसम टुडे आफ्टर अ वाइल। ठीक है, तो हम आ गए हैं यहाँ पे, हमारे ही घर के पास एक सैलून है, दैट इज़ आई टर्नर्स। तो आई टर्नर्स में हम इसका मेक ओवर करवाने आए हैं ताकि कल भी इसको सब आई टर्न कर करके देखें, है ना। ये छुप रहा है अभी शर्म के मारे, इट्स ओके। घर में बैठ के आराम से बिस्तर में लेट के मेरा ये वीडियो देखो और इस बारिश को एंजॉय करो मेरे साथ। छतरी नहीं लाई घर से मैं। 390 से 450 AD के दौरान जब रोमन एम्पायर का पतन हुआ था, तो उस वक्त जो लोग अपर क्लास से बिलोंग करते थे वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बाल लंबे रखा करते थे या तो फिर विग पहनते थे, और जो लोग लोअर क्लास से बिलोंग करते थे या तो वो अपना हेड शेव करवा लेते थे या फिर उन्हें अपने बाल छोटे रखने पड़ते थे। लेकिन आज के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज कोई भी कैसे भी अपने बाल कटवा सकता है, उससे ना कोई लोअर क्लास का हो जाता है और ना ही कोई अपर क्लास का। इतने सालों से जितना एवोल्यूशन हुआ है हेयर कट का, दैट इज़ इमेंस। और अभी जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं बाल काटने के लिए, एक टाइम पे ऑयस्टर के एज से बाल काटा जाता था, क्योंकि ऑयस्टर का जो एज होता है वो बहुत शार्प होता था। इटालियन सैलून का कॉन्सेप्ट आज भी बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कि एक ईंट के ऊपर आप बैठो और नाई जो है आपके बाल काट देंगे और आपके सामने एक छोटा सा शीशा रहेगा। लेकिन ये जो आप ऐसे सैलून्स में जाते हो और हेयर ड्रेसर को बोलते हो कोई फ़ोटो दिखाकर या फिर अपनी डिज़ायर्ड हेयर कट जो आप पाना चाहते हो, तो आप उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। तो उस हाइजीन को मेनटेन करते हुए और उस लुक को मेनटेन करते हुए वो आपको एक नए लुक देने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से हेयर कट से लेके हेयर ड्रेसिंग का जो ये पूरा दौर होता है, ये करीबन 45 मिनट्स का होता है, और यहाँ पे आपको कोशिश की जाती है कि हर तरह की लग्जरी प्रोवाइड की जाए। मुझे याद है समर वेकेशंस हो या विंटर वेकेशंस, जब मैं कलकत्ता आया करती थी तो मम्मी मुझे एक जगह बाल कटवाने ले जाया करती थी। कलकत्ता में एक बहुत फेमस जगह है बैरकपुर, तो बैरकपुर चिड़िया मोड़ में एक सैलून एग्जिस्ट करता है आज भी, तो वहाँ जो है मुझे ले जाया जाता था। और देखना आप ये जो सैलून में हो या जो ब्यूटी पार्लर में है, जो बड़े वाले जो चेयर आते हैं, तो उसके हैंडल के ऊपर जो है एक लकड़ी का तख्ता रख दिया जाता था और उस लकड़ी के तख्ते के ऊपर मुझे बिठाया जाता था। छोटी सी थी, ऑब्वियस सी बात है, तो उस तख्ते के ऊपर बैठ कर किसी भी तरह मैं मिरर के लेवल तक पहुँच जाती थी और मम्मी जिस तरह से इंस्ट्रक्ट करती थी बार्बर को, उस तरह से वो मेरे बाल काट देते थे। और आप आज देख सकते हो कि कितने प्रिसाइज तरीके से आपको आपका डिज़ायर्ड लुक दिया जाता है, और आज से 50 साल पहले भी दिया जाता था, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये जो समय का जो ये चलन है और हम सारे इंसानों ने जो इसी के साथ कहते हैं ना गो विद द फ्लो, तो हम जो ये सारे गो विद द फ्लो के दौर में हैं, तो आई थिंक दिस विल गो ऑन फॉर एवर। देखो ये बात तो सच है कि समय के साथ साथ हेयर कटिंग जो टेक्निक्स है वो बदली है और भी एडवांस्ड हुई है, लेकिन एक बात सच है कि 25 साल पहले हो या 50 साल पहले जैसे आप बाल कटवाते थे तो उससे भी आप डिज़ायर्ड होते थे। लेकिन हम इंसान जो है ना, हमें ये चकाचौंध भरी चीज़ें बहुत पसंद है, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, हमें स्पेशल फील करवाया जाता है एवरी मोमेंट, तो ये ना हम इंसानों को बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं। तो इसी के साथ साथ जो है आप अपना डिज़ायर्ड हेयर कट पाते हो और आप चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम भी जो है आपको इसी तरीके से ट्रीट करके, इतनी स्पेशल तरीके से ट्रीट करके आपको आपका डिज़ायर्ड लुक दिया जाए। खैर ये तो सच है, इंसान है हम, डिज़ायर हमारे कभी ख़त्म नहीं होंगे। कैन यू सी दिस? पता है क्या हुआ, बाथरूम जा रही थी उठ के रात को, एंड आई जस्ट बैंगड माई हेड ऑन द डोर बिकॉज सम हाउ इट गॉट क्लोज्ड और मुझे अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। देखो मम्मी क्या हो गया। कितना अजीब लग रहा है। एनीवेज, जब ही मैं बात करूँ हॉर्न एम्बुलेंस सब जाता है, यही है मैं हूँ ना, मतलब अभी इतनी बड़ी ब्लॉगर नहीं बनी ना, जब बन जाऊँगी सब रास्ता वास्ता रोक दूंगी मैं। कैसा लगा? It was good. This guy has
इमेंस परफेक्शन, इमेंस परफेक्शन। हिज नेम इज अब्दाल। तो ये डायमंड प्लाजा के एकदम पास में ही है, आई टर्नर्स, गूगल में चेक कर लेना। एंड व्हेन एवर यू कम हियर, मैं तो अपने बाल मैंने अब्दाल जी से कटवाए हैं, इसने भी अब्दाल से ही कटवाया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग अ हेयर कट फ्रॉम हियर। सो व्हेन आई प्रीवियसली यूज्ड टू विजिट अदर वंस, लाइक देयर इज वन नियर आवर होम, सो व्हेन दे यूज्ड टू ट्रिम सर्टेन एरियाज, आई यूज्ड टू फील ये व्हाई दे डोंट डू दिस, दिस वुड सॉल्व द प्रॉब्लम। लाइक इफ देयर इज अ एज ऑफ हेयर कमिंग आउट व्हिच लुक्स अ लिटिल एक्सटर्नल, इट्स एडेड, इट्स एक्सेस, why don't you do it like this, this guy did, I mean I was thinking and he was doing that, yes, so it was almost like he was reading my mind, so probably sure. Who knows, he has an AI in his head. Aha! Right now he's watching Black Mirror, so whatever he's thinking aap dekh lo, Netflix pe hai, it's an amazing series is time pe, right now at this moment, matlab abhi ka jo duniya hai wo samajhne ke liye, wo mindset samajhne ke liye, this series is very important for all of us. You have to watch it, Black Mirror on Netflix. कभी मुझे सोचा Netflix ने बोला देखो हम लोग तो ऐसे करते हैं, हमारा कुछ शो आता है जो हमारा हम अपने OTT में डालते हैं, नूरी तुम थोड़ा उसका प्रमोशन कर दो, कोई बात नहीं वो भी दिन आएगा, ये देखो ये क्या है मेरा सिर्फ आलू है। ठीक है, सो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, बाहर बारिश हो रही है, सो वी हैव टू गो होम, डर है इसको किसका सारा हेयर सेट वेट किया सब खराब हो जाएगा, बट स्टिल ही विल लुक गुड, नो वरीज, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय, एंड वी विल बी पोस्टिंग अमेजिंग वीडियोस लाइक दिस फॉरएवर, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, दोस ऑन यूट्यूब, वीडियोस शेयर माय कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड लाइक माय कंटेंट एज़ वेल, आई लव यू गाइस, हैव अ लूडी नाइट।